अगर आप भी चाहते हैं कि RCM म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अत्यंत प्राचीन काल के बात बा ये भैया, थावे में चेरो वंश के राजा मनन सेन के राज रहे। राजा मनन सेन बहुत घमंडी, क्रोधी, आक्रूर किस्म के व्यक्ति रहले ये भैया। राज्य के जनता से उनका थोड़ा भी तालुकात ना रहे ये भैया। राजा के प्रताड़ना क्रूरता से संपूर्ण राज्य के जनता खीन रहे। धार्मिक विचार वाला लोग राजा के हमेशा ढोंगी आ पाखंडी लागे। साधु, संत, महात्मा, भिक्षुक आ राज्य के गरीब जनता के राजा हमेशा सतावत। जीदी राजा मनन सेन के ई क्रूरता देख के कौड़ी कमख्या माई मन ही मन मुस्कैली ये भैया। आ तुरंत वही क्षण थावे के ठीक दक्षिण में भवानीपुर गांव रहे, जहां महामाई के एगो भक्त रहे मुनिया। आ माई कोई दिन आ गई तो आई भैया, आज फिर राम राघव के माध्यम से थावे माई के कहानी भोजपुरिया माटी के रंग में रंगाई अनेकानेक धुन के माध्यम से रउआ लोग के सामने हम पेश कर रहल बानी। रउआ सब हमके खूब आशीर्वाद। पौड़ी कमख्या से मैया ऐली, थावे न करी जी ऐली, थावे न करी जी। रात थावा पधोई के सवारन हो राम, एक किया हो के ठीक दक्षिण में वो भवानीपुर गांव रहे। वही गांव में माई के भक्त मुनिया रहत रहली। माई मुनिया के लगे जाके प्रकट हो गईली। अब मुनिया की माई के खूब सेवा सत्कार करे लगली। तो सुनो हाँ जोड़ी के मुनिया, पौवा पाखारेली मैया का मखिया जी के आरती उतारेली। मैया का मखिया जी के कहीं कैसे आईनी मैया बिटिया के घरवा हे। माई के पहनौली मुनिया ओढ़ौल के हरवा हे। माई के पहनौली मुनिया। आप सुन रहे हैं राम राघव के सुमधुर स्वर में थावे माता की गाथा, संगीत मनोज आर्यन। मुनिया भरपूर स्वागत कैलस माई के। माई मुनिया से कहली कि बेटी, हम तहरा भक्ति से बहुत प्रसन्न बानी। हम तोहरा माध्यम से एगो बालक के जन्म देवे के चाह रहल बानी। मुनिया कहलस, हे माई, ई रौरा का कह रहल बानी? हम एगो छोट लड़की कैसे बालक के जन्म दे सकतानी? गांव घर समाज के लोग आ राजा मनन सेन तो हमके जिंदे जला दिए। माई मुनिया से कहली, बेटी सुना, वो बालक के जन्म तो अत्यंत रहस्यमय ढंग से हुई। आ वो बालक आगे जाके हमार बहुत बड़ा भक्त हुई है। आ उन्हीं के नाम रहसु पड़ी, तोहरा ऊपर कौनो लांछन भी ना लगी। इतने में माई के आंख से एगो ज्योति निकला के भैया। आ उहे ज्योति मुनिया के हाथ पर जाके पड़ल। ज्योति पड़ते ही बेटी मुनिया के हाथावा पर फोड़ा बन के भइल एगो घाव जी। बहुते घबड़ैली मुनिया फोड़ा के देखी देखी मैया के धइल हली पाव जी।
देख और सुन रहे हैं एम्पायर म्यूजिक की प्रस्तुति थावे माता की गाथा विस्तार से। संगीत मनोज आर्यन। कौड़ी कामाख्या माई इतना कह के कोई दिन से प्रस्थान कर दहली ए भैया। मुनिया के फोड़ा दिन पर दिन बढ़े लागल। कुछ दिन बाद वह फोड़ा फूटल ते एगो बालक के उत्पत्ति भई आ वही बालक के नाम पड़ल रहसु। धीरे धीरे बालक रहसु बड़ होखे लगले। मुनिया से कहले एक दिन रहसु बालकवा। मुनिया से हमरा बाबूजी के नाम का हो हमर पहचान तू बताई तू हो बताई तू हो। रहसु से कहली मुनिया सुना मोर बालकवा। रहसु से अपना जन्म के हाल सुनो अखिया के लाल हेने आवा हो। बालक रहसु के जन्म के सारा वृतांत मुनिया बता दहली ये भैया। मुनिया कहली कि माई के प्रताप से हमरा हाथ में फोड़ा भइल वही फोड़ा से तोहार उत्पत्ति भइल। रहसु मुनिया से कहलन कि रे माई माई कामाख्या कहाँ रहेली हो हम उनका से मिले जरूर जाए। मुनिया बेटा रहसु से कौड़ी कामाख्या माई के पता बता दहली। आगे देखी का हो रहल बा। देखते मैया भैली परसन हो अपना शरण में ले लो मैया। तू बलकावा के मैया तू बलकावा के रहसु कहले बार बार हो राम एक किया हो रामा। कथा के रचनाकार व गीतकार स्वयं राम राघव हैं। कौड़ी कामाख्या महारानी रहसु से कहली कि बेटा रहसु अरे तहार जन्म तो जनता के सेवा खातिर भइल बा हो। तू पुनः यहाँ से राजा मनन के राज आवे में वापस जाके पूजा पाठ में तलीन हो जा। गरीब जनता साधु महात्मा फकीर पंडित सबके सेवा करी हो। तू जब भी बोलेबा हम तोहरा पुकार के सुन के जरूर आ जाई। इतना कह के कौड़ी कामाख्या माई अंतर ध्यान हो गई ली। ओकरा बाद भक्त रहसु थावे आ गई। थावे मिया के रहसु कुटिया बनैले जी। माई कामाख्या जी में ध्यान रमैले जी। माई कामाख्या जी में गली गली घरे घरे गावे गावे गईले जी। दिन दुखियन के सेवा मेरा मां गईले जी। दिन दुखियन के सेवा रहसु माता के ध्यान पूजा पाठ योग भक्ति में रम के जनता के सेवा में माई के आशीर्वाद से जुट गईले ये भैया। अचानक राजा मनन सेन के राज में एक दिन अकाल पड़ जात बा ये भैया। बारिश के
के नामो निशान ना रहे। सूखा के वजन से राज्य के जनता के फसल खेत में सूख गई, धरती में दरार पड़े लागल, भूख से जनता त्राही त्राही करे लागल, चारों ओर तबाही के मंजर लौके लागल। ये भैया राजा मन न सीना बड़ी खबर आई ले जी, देखी के आई सन आकाल जी, भूखवा से मुवे लोगवा चारुओरी ई है रोगवा, जनता के भइल बुरा हाल जी, जनता त्राही त्राही कर रहल बा, भूख से लोग तड़प तड़प के मरे लागल। यह विकट परिस्थिति में कामाख्या माई के प्रताप से भक्त रहसु प्रतिदिन जा जा के कतरा घास से कटनी करे लगे। अब प्रतिदिन रात में महामाई के प्रताप से ही सात गो सांप और सात गो बाघ प्रकट हो जा। भक्त रहसु वही सात गो सांप और बाघन के माध्यम से कतरा घास के रोजाना दौरी करे लगे। उह दौरी से अथाह चाउर निकले लगे। सेवक रहसु घर घर जाके चाउर बांटे लगे। भक्त रहसु रोजाना कतरा घास के बाघन से दौरी करस, घर घर गली गली गांव गांव टोला टोला जा जाके चाउर बांटे लगे। एक दिन के बात हो राजा मनन सेन के इस बात के पता लागल। राजा मनन सेन आश्चर्यचकित हो गए कि हमारा राज्य में ये कौन ऐसा व्यक्ति बा जोन ये विकट परिस्थिति में घर घर जाके चाउर बांट रहा है। राजा के आदेश अनुसार तुरंत राजा के सिपाही महल के प्रांगण में राजा के सामने रहसु के पेश किए। राजा मनन सेन कहले कि रे नीच रे ठोंगी, यह अकाल जैसे विकट परिस्थिति में से कहां से इतना चाउर ले आके घर घर बांटत बाड़ू श्री। भक्त रहसु का कहले देखी जानिके ई पतिया जी, कहां से आवताते चाउर जी, राजा मन न सेन के रहतु भागा तावाते, पतिया ई लागल बड़ी बाहुर जी, क्रोधावा में राजा मनन जी तम तम ईले रहसु पर आग पबूला होई गईले, चौरा के राज जल्दी बता रहसुआरे पता दे रहसुआरे। राजा मनन कहले बार बारन हो राम एक किया हो रामा, इतना चाउर कहां से आवता है। राजा के क्रोध देख के भक्त रहसु कहले कि हे राजन इस सब तो हमरा देवी माई के प्रताप से हो रहल बा। राजा कहले कि कौन तोर देवी है रे, उनका के यहां प्रकट कर। कौड़ी का मखिया में बड़ी हमर माई है, चौरा के राज रहसु बिहले बतलाई है, चौरा के राज रहसु बाघ दौरी के बतिया बिहले बताई है, सुनी के मन न सेन गैल घा बाराई है, सुनी के मन न सेन। राजा मनन कहले कि रे रहसु अगर तोर सचमुच कौनो देवी बारी तो काहे नहीं खूब प्रकट कर, देखाओ कैसन बारी तोर देवी। रहसु का कहले आगे देखिए भैया। ओई है ना मैया मोरी
रौरा मोहलिया में कोरी ना हमके मौज बुरजी। हमारा देवी रजबू रहली कामाख्या में, इहवा से पावे बहुते दूर जी। राजा मनन क्रोध में तम तमा गईले ये भैया, आ कहले कि रे दुष्ट रे नीच, गोल गोल बात मत कर। अगर सचमुच में तोर कौनो देवी बारी तो प्रकट कर, ना तो जान से हाथ धोवे के पड़ी। ओकरा बाद भक्त रसू का कहले आगे आई देख के तनो बोला वाला परमाई नहीं आई है के तनो कहो तनी बार बार मानी बतिया हमार मोरे राजा जी। ए राजा जी रौरा महल में जदि मैया मोरी आई है रौरा, मच जाई हाहाकार हिली धरती पहाड़ मोरे राजा जी। ए राजा जी दिस सॉन्ग इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पायर म्यूजिक। राजा रहसू के बात सुन के क्रोध में पागल हो गई रे भैया, कहले कि रे रहसू बंद करते अपन जादूगरी, रे नीच रे पापी के अपना देवी के प्रकट कर, ना तो तोरा के अबे सूली पर हम टंगवा दे। भक्त रहसू कहले कि हे माई आवो हो आचा हे मैया, प्रकट हो के तू अपना भक्त के लाज बचा। देर जाना करा मोरी देवी महतारिया हो, भगता के रखो माई इलाज हो। जोड़ी के रहसू माई के गोहरईले आइल बापी पतिया देवी मैया से बतईले। कौड़ी कमखिया से मैया अली काला का तावाजी, अली काला का तावाजी। सुनी के रहसू के गोहार रहसू से कहली कि ये बेटा रहसू हमरा इला से बहुत बड़का अनर्थ होई हो, राजा मनन की बात बतला दो हम यहाँ से भी लौट जाए। भक्त रहसू राजा से का कहले हई दे आके रुको लबाड़ी मई काला काता है, आवे से माना करत बड़ी मोरे माता है, आवे से माना करत पतिया ई रौरा राजा कहे ना बुझाता है। सेवका के जीवा रजऊ बड़ी खा बाड़ाता है, रहसू के जीवा रजऊ। रहसू के बात सुन के जीदी राजा मनन से कहले कि रे दूज कहाँ बारी तो दे प्रकट कर। चल के कलकत्ता वासे पटना पहुँचली मैया, पटना देवी पड़ल नाम हो। रहसू से कहली माई समझा दर जऊ के, आयम तो बिगड़ी सब काम हो। रहसू बार
बार निवेदन करता रहे कि भैया राजा मनन सेन के गोल पर गिर के निहोरा करता रहे, लेकिन जीती राजा मनन सेन अपना जीत पर अड़ल बढ़े। रासु अपना सेवादारी के क्रिया माई के धारा धले, कहले कि हे माई आप तो प्रकट हो जाओ। दुख न सहलाय अब जल्दी आओ मोइया, दुख न फेरू क्रिया धरैले रहसु, फेरू गोहरैले माई हो तेरे न कर तेरे न कर पाटा न से तेरी मैया आमी आई गईली पाटा न से रह तू पहल सेवादार आजा मैया हमार अब देर न कर देर न कर। राजा मनन सिंह कहले कि रे रह तू ते अपन ड्रामा बंद कर, अगर तोर देवी हुआ अभी प्रकट ना भैली तो तोरा के फांसी के फंदा पर हम लटका दे। अपना भक्त के दशा देख के माई के आप क्रोध से लाल हो गई है भैया, माई अपना रथ पर सवार होके वहां से चल दे लगा। आमी से चल के माई गईली घोड़ा घाट गाँव जी, सेवकन के दर्शन देहली मैया कामख्या रानी, भक्त लोग पूजलत माई के पाँव जी, फिर से पुकर ले रह के तोहरा होता बड़ी बदनामी। आचया चमैया राजा मनन के मोहलिया में, मनन के मोहलिया में सेवा का पद होता अत्याचारन हो राम एक किया हो रामा, धरती आसमान हिले लागल, पृथ्वी चर चर करके फाटे लगी, आंधी तूफान आ बिजली के गड़गड़ाहट से ऐसा लाग रहल बा कि आज सृष्टि के विनाश हो जाई। राजा मनन सेन के महल जोर जोर से हिले लागल, राजमहल के सारा सेना सेनापति आ राजा के परिवार थर थर कांपे लगले। भक्त रहसु ध्यान में बैठल बा, सभे लोग देखो तावे बाघ के देवरिया ध्यानवा में डूबल बारी रहसु पूजरिया ध्यानवा में डूबल बारी थर थर का पटाटे राजा के शरीरिया पर कट हो खतारी देवी महतरिया पर कट हो। राजा मनन सिंह देख के घबरा गई रहे कि अरे ये कौन भक्त जो उन ध्यान में डूबल बा, सात गो सांप और सात गो पाप यहाँ प्रकट होके कतरा घास के दौरी करे लगले आ वही से अर्थात चाउर निकल रहल बा। राजा मनन सेन बड़ी खबर ले जी रजू के डोलता सिंहासन जी ध्यानवा में डूबल बारन रहसु पूजरिया जी देवी माई के आवताया सन जी। राजा मनन सेन अपना सिंहासन से नीचे गिर गई ले, ए भैया मैया कैसे प्रकट हो रहल बाड़ी देखिए भैया।
हटिया का घाट रहल बा। आंधी तूफान से ऐसा लगता कि राजा के महल उधिया के कहीं उड़ जाए। मैया कैसे रहतू के शरीर में प्रवेश कर रहल बारी हई देख। बेटावा रहतू के देखली मामा ता मोयरिया, बेटावा के माई देहली आशीर्वाद, रहो रह सुयाबाद मैया कोहली जी, कोहली जी। ध्यान में मगन बड़े बेटावा दुलरुआ, ध्यान में तोहर होई बड़ी नाम, हमा बनी बड़ धाम मैया कोहली जी, कोहली जी। हाहाकार मचल बा महतारी, कैसे भक्त रहतू के शरीर में जाके प्रवेश करतारी अब देखो। रहतू सेवा कावा के भीतरी शरीरिया में मैया जी कैली पर मस्तक धीरे धीरे फाटे लागल, मोहल के लोगबा एने ओने भागे लागल। लजिया बचैली मैया रह सुसेवा कावा के, रह सुसेवा कावा के। कानना देखैली मस्तक फारन
कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए।